बुरा ना मानो, होली है। दादाजी होली मुबारक हो। भाई तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। होली मुबारक हो। होली मुबारक हो मिसेस चड्ढा। चड्ढा अंकल। होली मुबारक हो दादाजी। अरे ये बाल्टी भर के बलून्स कहाँ ले जा रहे हो? ये तो बंटी के लिए है, उसे देने जा रहा हूँ। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वीर बेटा, सिर्फ सूखे रंग से खेलना, और सुनो, ऑर्गेनिक कलर से खेलो। ऑर्गेनिक कलर वो होते हैं जो पेड़ पौधों फल फूलों से बनाए जाते हैं। नकली रंग में केमिकल होता है जो इंसानों की स्किन के लिए बहुत हानिकारक होता है। इन केमिकल से तुम्हारी स्किन को ज्यादा खतरा है। ओके दादाजी, लेकिन दादाजी कोई दूसरा मुझ पे नकली रंग डाल देगा तो मैं क्या करूँगा? लो ये स्प्रे रख लो, ये किसी भी तरह के केमिकल को निकाल देगा। ये होली है भाई, होली है, पूरा न मानो होली है। होली है भाई, होली है। चलो चलो, आज तो वीर को इतना भिगोएंगे कि वो जिंदगी भर नहीं सूखेगा। चलो 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 भागो। वो देखो, वो देखो, भाग रहा है। छोड़ना मत, पीछा करो। चलो होली है, हम बहुत खुश हैं। जाओ मेरे कमरे में रंग भरी पिचकारी है, उसे ले आओ। यस बॉस, मैं अभी आया बॉस। बॉस, मुझे नहीं पता था आप हमारे साथ होली खेलना चाहते हैं। बुरा न मानो, होली है। होली मुबारक हो बॉस। अकल के छोटे, अकल के खोटे, ये क्या कर दिया? अरे इस पिचकारी में खास केमिकल था, वो जिस पे डालोगे वो जम जाएगा। ये मैंने डॉक्टर प्रेम सहाय के रोबोट के लिए बनाया था। मैं क्या करूं बॉस, मुझे नहीं पता था इसमें केमिकल है। सॉरी। तुम होली खेलने के बहाने से फुर्सतगंज में घूमो, तुम उस रोबोट को पहचानते हो? जहाँ वो रोबोट दिखाई पड़े उस पे ये रंग डाल देना, वो जम जाएगा। फिर उसे बाहर खड़े ट्रक में पीछे बांध के ले आना। अब जा। हे, मुझ पे रंग मत डालो। वीर वीर, रोको जिंटू को। वीर आपस में रंग खेलो, खबरदार जो मुझे रंगा दो। वो तो टिम्बकटू है, लगता है मुझे ही ढूंढ रहा है। चलो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। चिंटू सुनो, अंकल जी किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारे जैसे प्याले प्याले बच्चों के साथ होली खेल रहा हूँ। आओ तुम्हारे साथ भी खेलूंगा, आओ ना। हैप्पी होली, बुरा ना मानो, होली है, होली है भाई, होली है। इतना बड़ा बलून। Thank you.
होली है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हुआ अंकल, इतना खुश क्यों हो रहे हो? हैं? ये वीर जमा क्यों नहीं? पापा बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है। ये क्या डाल दिया, मैं हिल भी नहीं पा रहा। सॉरी पापा, सॉरी। ये पिचकारी तो मेरी नहीं है, किसी से बदल गई है। मामी, मेरी पिचकारी उसके पास चली गई। तो वो रंग आप मेरे लिए लाए थे। चलिए, आपका रंग तो खत्म हो गया और मेरे पास तो बहुत सारा रंग बाकी है। केमिकल तुम्हें जमाने के लिए लाया था। वीर, छोड़ो वीर को, छोड़ो, खोलो दरवाजा, खोलो। चीटू, चिल्पुर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। दादाजी, उसने मेरे बदन पे कोई केमिकल डाला है जिसकी वजह से मैं भी हिल नहीं पा रहा। अब जरा बॉस को फोन लगा के खुशी की खबर दे देता हूँ। दादाजी का स्प्रे जेब में है लेकिन निकाल नहीं सकता। बॉस, बॉस, मैं डॉक्टर प्रेम सहाय के रोबोट को लेकर आ रहा हूँ बॉस। शाबाश टिम्बक्टू, शाबाश मेरे बच्चे, तुम अकल के छोटे और बदन के खोटे जरूर हो, लेकिन हो काम के आदमी। केमिकल सिर्फ ऊपर मेरे खाल में लगा है, अंदर नहीं है। अगर अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो ऊपर के खाल के साथ केमिकल भी निकल जाएगा और मैं फिर से हिल डुल सकूंगा। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। ये जिड्डू कहाँ होली खेलने चला गया, काम के समय ये गायब हो जाता है। ये कैसे हो गया? तुम्हें फिर से फ्रीज करना होगा, वरना बॉस तो मुझे फ्रीज कर देगा।
रहे हो? कब से ढूंढ रहा हूँ? पूछो मत क्या कर रहे हैं। ये टिम्बकटू वीर को पकड़ के ले जा रहा था और अपनी ही जाल का शिकार हो गया है। इसे वहीं भेज देते हैं जहाँ से ये आया था। मैं बहुत खुश हूँ। चलो आज ऐसी होली खेले जो किसी ने कभी ना देखी हो। अभी लो दादाजी। चिंटू ये क्या कर रहे हो? होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। चिंटू ये जादू ठीक करो। वीर का सपना। वीर आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। क्या सपना देखा? वीर दादाजी से पूछो, वही बताएंगे। वीर तुम एक रोबोट हो और रोबोट को सपने नहीं आते। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन दादाजी मुझे आज ही सपने देखने हैं। जिंटू को बुलाओ, अब वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। तक दिना दिन कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। जिंटू वीर को सपने नहीं आते, वो और बच्चों की तरह सपने देखना चाहता है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी सपने दिखा देता हूँ चुटकी बजा के। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, वीर को सपने रात में आए झम झम। दादाजी आज मैंने सपना देखा, कितना मजा आ रहा था। अच्छा जरा बताओ तो क्या सपना देखा? मैंने देखा कि आप टोकरी भर के गाजर चुलबुल को दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गाजर लेकर डाइनिंग टेबल पे बैठ के फोर्क और नाइफ से उसे खाता है। कहीं सपने में ये टोकरा तो नहीं देखा था?
हाँ दादाजी ऐसा ही था। चुलबुल ये लो तुम्हारे लिए इतनी सारी गाजर। दादाजी बस एक ही खाऊंगा, मेरा थोड़ा पेट खराब है। दादाजी मैंने तो यही सपना देखा था, ये सच कैसे हो गया? एकदम यही सपना देखा था मैंने। कहीं चिंटू के जादू की वजह से सपने की जगह तुम फ्यूचर तो नहीं देख रहे? अगर ये बात है तो इमली के गांव को बचाना होगा। मैंने सपना देखा कि इमली के गांव में टीडियन ने हमला कर दिया है और सारी फसल खाने जा रही है। वीर, वीर, मेरी मम्मी बहुत परेशान है। पापा ऑफिस के काम से टूर पे गए हैं और गांव वालों ने फोन पे खबर दी है कि टीडियन आने वाली है। जिंटू जल्दी से कुछ करो, इमली के खेतों की फसल को टीडियों से बचाओ। ये लो हो गया काम। क्या किया तुमने? वो टीडियन गांव से यहाँ बुला ली है, यहाँ फसल ही नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या? जिंटू इन्हें वापस भेजो, इस तरह तो फुर्सतगंज में मुसीबत आ जाएगी। ये लोग गायब हो गई। तुम तो मेरे काम से कभी खुश ही नहीं होते। इमली हमें तुम्हारे गांव जाना होगा, अपनी रेल कार से चलते हैं, जो मैंने तुम्हारे गांव जाने के लिए बनाई थी। वीर, मेरे लिए भी एक ऐसी ही कार बना दो ना। नहीं इमली, बच्चों के लिए ये खेल खतरनाक है। मैं तो रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वीर वो देखो ट्रेन आ रही है। बहुत मजा आ रहा है। अरे बच्चा लोग यहाँ से जल्दी भागो भागो भागो, अरे टिड्डों का झुंड आ रहा है, भागो जल्दी। मैं भागने वाला नहीं, अपनी दुलाटी मार मार के सब टिड्डियों को भगा दूंगा। लाठी काम नहीं कर रही। वीर, वो टिड़िया इधर ही आ रही है, भागो। रुक जाओ, हम इनसे तेज नहीं भाग सकते, यहीं खड़े होके मुकाबला देखो। वो लड़का उधर देखो, पता नहीं क्या क्या हथियार इस्तेमाल कर रहा है, उस पे हमला करो। वीर, इनको काबू में करना तो मुश्किल हो रहा है। जिंटू तुम कुछ क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं करूंगा, वीर को ही लड़ने दो। तुम वीर के दोस्त हो, ऐसी मुसीबत में हेल्प नहीं करोगे तो टीड़ियां वीर को ही चोट पहुंचाएंगी। ये लो अभी सब ठीक कर देता हूँ चुटकी बजा के। अब सब टिड्डियां इस आग से जल जाएंगे। जिंटू आग हटाओ, फसल खराब हो जाएगी, जल्दी पहले जैसा करो। देखा मैंने कहा था ना, ये मेरे किसी काम से खुश नहीं होता। थैंक यू जिंटू, मैं कुछ और ही करता हूँ, ट्विस्टर सूट। वीर, इस जगह के चारों तरफ गहरी वैली है, तुम नीचे गिर जाओगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। आ,
भाई? सब टिड्डियां एक साथ इस बवंडर में फंस के जा रही हैं। ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए कोई दूत भेजा है। वीर संभल के, वैली सामने है। वीर, तुमने ये चमत्कार कैसे किया भैया? जल्दी बताओ वीर। इमली, तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त ने ये कैसे किया? जिंटू, अब गुस्सा छोड़ दो और इन गांव वालों की याददाश्त गुम कर दो जल्दी। इन्होंने सब कुछ देख लिया है। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, जो कुछ देखा तुमने अभी है या तुम्हें ना खोच आए। वीर, तुम नाम के ही नहीं सचमुच की वीर हो। थैंक्स फॉर सेविंग माय विलेज। एंड जिंटू, तुम ना हो तो हमारा कोई काम नहीं हो सकता। ये वीर को समझाओ। वीर वर्सेस डेंजरस सेवन। चलो आज गिल्ली डंडा खेलते हैं दोस्तों। गिल्ली डंडा बाद में खेलेंगे, पहले चल के चाट खाते हैं। क्या जिंटू, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना? सुबह सुबह चाट खाने से दिन अच्छा बीतता है। खेलना नहीं आता इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। चलो मैं खेल के दिखाता हूँ, ऐसा शॉट मारूंगा कि गिल्ली ही खो जाएगी, फिर तो चाट खाने चलोगे ना। आज बॉस को वीर के पूरे दिन भर की रिपोर्टिंग करूँगा। देखता हूँ वीर दिन भर क्या क्या करता है। अगड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सॉरी, गलती हो गई। तुम लोग पार्टी करो, मैं चला। ये तो जादूगर है, जादूगर है वो। इसमें गाजर तो नहीं? ये क्या तरीका है मेरे सामने आने का? बॉस, बॉस, वीर का जादू दोस्त है। नहीं नहीं नहीं, जादू का वीर दोस्त है। क्या बक रहे हो? बॉस बॉस, वीर जादू, जादू वीर दोस्त, जादू नहीं दोस्त वीर। बंद करो ये उलझुल बातें। एक मिनट बॉस, एक मिनट, एक मिनट, मैं सांस ले लूं। हाँ, अब ठीक है। बॉस, वीर का दोस्त जिंटू जादूगर है। वो गायब हो जाता है फिर वापस आ जाता है, जादू से कुछ भी कर देता है वो बॉस। इसीलिए आज तक हम वीर को नहीं हरा पाए हैं बॉस। अगर ये सच है तो जाओ उस दोस्त की कमजोरी पता करो। एक बार वो दोस्त हमारे कब्जे में आ गया तो हम वीर को आसानी से खत्म कर देंगे। या! उसकी कमजोरी चाट है बॉस, वो चाट के लिए कुछ भी कर सकता है। या! मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया जन्म ले रहा है। I'm madly, madly genius. You're genius, boss. Madly, madly genius. Meow. She is right, boss. She is right. लेकिन ये एडली मेडली क्या है बॉस? ये एडली मेडली क्या है? हे बच्चों, आओ आओ, आ जाओ, खूब सस्ती चाट खाओ। और ध्यान से सुनो, अगर कोई रोबो बॉय का दोस्त है तो उसे फ्री चाट मिलेगी, फ्री चाट। आओ जल्दी आओ। मैं हूँ रोबो बॉय का दोस्त, मेरा नाम जिंटू है, वो मेरा पक्का दोस्त है। तुम रोबो बॉय के दोस्त हो? सच? तुम कितने लकी हो जिंटू। चलो जिंटू बाबा को खूब चाट खिलाओ, जल्दी जल्दी। सुना है रोबो बॉय के पास हर तरह की फाइट के लिए अलग अलग 7 तरह के सूट है, और लोग कहते हैं
वो चाहे तो सातों रूप में एक साथ भी आ सकता है। मेरा दोस्त सात अलग अलग सूट में भी आ सकता है। वो है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ओह, अगर तुम उसे यहाँ कुछ देर के लिए एक साथ सात रूप में बुला दो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मुफ्त चाट खिलाऊंगा। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सातों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, उन्हें चाट खिलाऊंगा। प्लीज 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 अपने दोस्त को बुला लो। कुछ देर की ही बात है, मैं जादू से वीर के साथ क्लोन्स बना देता हूँ और यहाँ बुला लेता हूँ। ये भी खुश हो जाएगा और मुझे जिंदगी भर मुफ्त में चाट भी खिलाएगा। इसकी चाट कितनी टेस्टी है। दरअसल वो सातों रूप में यहाँ आने ही वाला है। उसने मुझसे यहाँ मिलने को कहा था। देखो वो आता ही होगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, वीर के क्लोन्स अलग अलग सात सूट में एक साथ पेड़ के पीछे से निकल के यहाँ आ जाए। ओह नो नो, ओह आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। जिंटू बाबा, जिंदगी भर तुम यहाँ फ्री चाट खाओ और मैं इनके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा लूं। अच्छा लो चाट खाओ, चाट बहुत टेस्टी है। चिंटू बाबा, ये तो मेरी बात मान नहीं रहे। इनसे कहो मेरी हर बात माने, कुछ देर की ही तो बात है। मैं जो कहूं वो ये करें। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे दोस्तों, इनकी सब बात मानो, ये जो कहे वो करो। ओके, जैसा तो तुम कहो। तुम सब मेरे साथ आओ, हम फोटो सेशन करेंगे। जिंटू बाबा, तुम चाट खाओ, हम आते हैं। तुम सब मेरी हर बात मानोगे? हम सब आपकी हर बात मानेंगे। गुड। अब सुनो, ये हमारा दुश्मन है, इसने तुम्हारा भेस लिया हुआ है और सबको तंग करता है। तुम्हें इसे खत्म करना है। इसे खत्म करना है। शो मी द एंगर। गुस्सा जिसे देख के ही वो डर जाए। वो बहरूपिया है, तुम जैसे किसी के भी रूप में आ सकता है। ये एम का लोगो तुम्हें एक दूसरे को पहचानने में मदद करेगा। जाओ और फुर्सतगंज में इसे ढूंढ के खत्म कर दो। सात रोबो बॉय, मैं तो सबके ऑटोग्राफ लूंगा। एक ऑटोग्राफ प्लीज, एक ऑटोग्राफ। अरे मुझे भी चाहिए ऑटोग्राफ। इमली चुलबुल भागो, ये मेरे लिए ही आए हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। चुलबुल, तुम जिंटू को ढूंढो, मैं दादाजी के पास जाती हूँ। समझ नहीं आ रहा, वीर के सात रूप एक साथ कैसे आ सकते हैं। वीर,
और उस कार को हवा में उठा लो। वीर उनकी जान बचाने के लिए खुद ब खुद आ जाएगा। कहाँ हो वीर? सामने आओ। देखो ये लोग कितना रो रहे हैं। तुम लोग अपने रोबो बॉय को बुलाओ, देखें आज वो आता है कि नहीं। वो जरूर आएगा, उसका अंत यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। आज वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रोबो बॉय जरूर आएगा, देखना वो आएगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। रोबो बॉय जरूर आएगा माँ, विश्वास रखो। बस बहुत हो गया रोबो बॉय, मैं 3 तक गिनूंगा। तुम बाहर नहीं आए तो ये कार छोड़ दी जाएगी। 1, 2। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। पापा इसके सामने प्लीड मत करो, हैव फेथ, रोबो बॉय जरूर आएगा। रोबो बॉय आखिरी मौका है, 2 गिन चुका हूँ और बाकी है 3। रुक जाओ, उनको छोड़ दो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उनसे नहीं। नहीं वीर, नहीं। ये रोबो बॉय। बच्चों तुम लोग सही कह रहे थे, रोबो बॉय आ तो गया है लेकिन अब जाएगा नहीं। मेरे दोस्तों इस बार बचने ना पाए। फायर! जल्दी वहां से निकल जाओ वीर।